आप भाई साहब व्यवस्था भी काट रहे हो, व्यवस्था बनाए रखो, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, व्यवस्था बनाए रखो, हमारी भी सुनो फिर। हाँ जी, आप सही हो, आदमी शांत खड़े हो, बिल्कुल सबको सुन रहे हो आप, हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? सर ऑब्जर्वेशन ये है, अभी यहाँ टॉपिक चल रहा था एक मेडिसिन का, केजरीवाल जी की डिस्पेंसरियों को लेके। मेरे फादर अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं शिवरात्रि वाले दिन, ये जो लास्ट शिवरात्रि गई है, ड्यू टू कैंसर ईसोफेगस। तो सर मेरे पापा का ट्रीटमेंट दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल से चल रहा था, जो श्री केजरीवाल जी के अंडर में ही आता है। उसमें से मेरे पापा को 8 कीमो लिखी गई थी, जिसमें से 7 कीमो में उनको कीमो की मेडिसिन नहीं मिली। वो मैं बाहर से परचेज करके ला के मैंने दिए, आप कहेंगे तो मैं बिल एज अ प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। मैं खुद अपनी परचेज करके मेडिसिन लेके आया हूँ बाहर से, तब उनकी कीमो हुई है। वो जाके सिर्फ ये लिख देते हैं कि कीमो की मेडिसिन नहीं है यहाँ पे, और ये डिस्पेंसरी खुली हुई है। उसके बाद वहाँ मेरे, मैं तो सर फिर भी चलो अफोर्ड कर सकता हूँ, बट वहाँ पे रिक्शे वाला भी है, रेडी पटरी वाला भी है, वो तो मेडिसिन ही अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जाके, आप भी समझदार हैं, आप बाहर जाके केमिस्ट में जाके रेट पूछिए कीमो की, कीमो की एक एक मेडिसिन का रेट 8-8 हज़ार, 14-14 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपए। हॉस्पिटल में हम दोनों लेके जाते थे, साफ डॉक्टर कह देता था कि आपको हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्राइवेट दिखा लो। बेड भी नहीं है उनके पास पेशेंट को एडमिट करने। पेशेंट चला गया ना सर, हमने तो अपना पेशेंट खोया है। सिर्फ झूठा प्रचार है दिल्ली में। सर हम जज्जर लेके भागे थे यहाँ, किसी दिल्ली में उसने नहीं करा। सिर्फ झूठ का प्रचार है, अंबार है और लोगों झूठों की सरकार है। अभी जिस प्रकार से यहाँ बात हो रही है, एक हैवी होने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर में इतनी ऐड आती हैं, इतनी ऐड आती हैं, हर पेपर में 4-4 पेज भरे होते हैं, इतना पैसा। लेकिन ये कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश है, लोग डॉक्टर से दवाइयां कटवा के लेकर आते हैं। सर ऐसे कौन कह रहे हैं यहाँ पे, ये बता, ये क्या कह रहे हैं, क्या ये इधर आओ, अरे इधर आओ ना, इधर आओ। ये कह रहे हैं भाई साहब कि डॉक्टर को बदनाम करने के लिए पेशेंट खुद कटवा देते हैं। सर ऐसा कौन सा न्यूज में आया सर? सर मुझे एक बात, एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात का आंसर चाहता हूँ सर से, कि एक नॉर्मल पेशेंट है, उसे डॉक्टर की पॉपुलैरिटी का तो नहीं पता ना। अब वो जाके डॉक्टर को बदनाम क्यों करेगा? वो उसका रिलेटिव है या अपना पेशेंट ही कराएगा? वो डॉक्टर अगर उसको मेडिसिन लिख के दे रहा है तो पेशेंट को ट्रीट करके ही मेडिसिन लिख के दे रहा है ना सर। मेरा एक ही बात कहनी है, ये प्रैक्टिकल, ये दो आदमियों से बात कर रहे हो अभी, एक तो प्रैक्टिकल चीज ने जो बात की, जिनके स्वयं की भी, स्वयं की बीती हुई है। ये पर्चा दिखा रहे थे, तो कह रहे नकली है ये, ये राजनीति का आदमी है, इनका भी ऐसे बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल सर ये आम आदमी की। हाँ बताइए बताइए, डॉक्टर ने सर ये टेलमा, सर आप इसे पूछिए कौन सी डिस्पेंसरी गए थे, ये रही यार बताओ, जानकर कौन सी डिस्पेंसरी गए थे आप, ये रही ना बताओ सर। ये मेडिसिन देखिए, ये टेलमा 40 mg टैबलेट लिखी हुई है, ये किस काम आती है, ठीक है ना सर? अभी अगर काट के यहाँ लिखी हुई है तो ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करेंगे ना, या झूठ बोल के जाएंगे? और डॉक्टर ने बीपी चेक नहीं किया क्या इनका? उनको दिखा नहीं इनका बीपी क्या चल रहा है? उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं था डॉक्टर के पास, तो ये मेडिसिन क्यों कटवाएंगे अपनी जाके? झगड़ा नहीं, देखो जी बा, आपने बोल दिया भाई साहब। हाँ चलो जी, जैन साहब से पूछना, जैन साहब कौन सी डिस्पेंसरी आप गए थे? जैन साहब कोई डिस्पेंसरी गए थे? बता दिया मैंने, आपको सुना नहीं, हम बता चुके हैं, कोई स्थानीय मुद्दे पे बात नहीं हुई, एक भी स्थानीय मुद्दे। रिवाइंड करके सुनना पूरा शो दोबारा सुनना, आपको लिंक भेज दूंगा आपको। बहुत देर हो गई है मुझे, बहुत देर हो गई है, इस मारे आप आए नहीं। मैं ये कह रहा था कि हमारे घर में इतनी स्थिति ऐसी है, मेरे एक भाई का हाथ और पैर पैरलेस है, और मेरी माँ चारपाई में, हमारे घर में भाई का बच्चा 11वीं में फर्स्ट डिवीजन आया, इतनी बड़ी शील्ड मिली है, और फीस क्यों बढ़ा दी इन्होंने प्राइवेट में? आप जवाब दोगे? जवाब दो हमें, प्राइवेट में फीस क्यों बढ़ा दी है? हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है, 11वीं में फर्स्ट आया, शील्ड मिली है उसको 11वीं क्लास। तो बताओ, सारी राजनीतिक हो रही है, पानी बिजली अस्पताल, पहले ये बताओ पैसे क्यों बढ़ा बच्चे की? हाँ प्राइवेट, आप बताओ इस चीज़ का जवाब दो हमें। हाँ बताओ क्या बताओ सर, ये सर का, सर कह रहे थे ना कि झूठ बोल रहे हैं, सर कह रहे थे ना कि झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर से जाके दवाई कटवाते हैं, ये अंदर डॉक्टर के मना करने के बाद ये मैंने कीमो की मेडिसिन अपने फादर के लिए बाहर से आउटसाइड से परचेज कर रखी है, और मैंने खुद जाके
वहाँ और अदर पेशेंट जो परेशान हो रहे थे उनको मेडिसिन सस्ते रेटों में दिलवाई है, क्योंकि मैं खुद फार्मा लाइन से हूँ, मैंने खुद लोगों को अरेंज करवा के दिया वहाँ पे सस्ते रेटों पे दवाई, ये बिल मेरे पास रखे हैं और इस डेट के प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। स्टिल मैंने अपने फादर का कोई भी अभी ड्यूरिंग स्टार्ट ट्रीटमेंट टू टिल एंड ट्रीटमेंट कोई प्रिस्क्रिप्शन वेस्ट नहीं किया। ये समस्या एक बड़ी आ रही है, हालांकि दिल्ली सरकार के अभी मैं बता रहा हूँ बाबू जी को क्या दिक्कत है। कैंसर अभी अरे अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है। सुनो अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे ना, चाहे वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल था, चाहे वो बालाजी एक्शन था, अब सब में EWS, ये पहले नहीं लेते थे, लेकिन अब सरकार ने सारे कैंसर के हॉस्पिटल 25% सबका फ्री इलाज हो, अभी तक था कई हॉस्पिटल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फ्री है, मार्च से शुरू हो चुका है, अभी हमने कराए, ऐसा नहीं है। और भाई साहब ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटलों में फ्री कर दिया, एक बार मेरे साथ चलो, जयपुर गोल्डन भी तो हॉस्पिटल ही है, वो भी तो दिल्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, आप वहाँ पे अगर कोई गरीब आदमी चला जाएगा तो एडमिट नहीं करेंगे। मेरे पास 50 केस आते हैं डेली के, मेरे रजिस्टर में मेंशन है।